بسم الله الرحمن الرحيم بشرى لي سيدي وسيدي ابي وعلى الله تعالى لساني كل كوري فيري مش امید کرتے ہیں کہ اپ سارے خیریت سے ہوں گے آج مجھے دیکھ رہے ہیں میرے چینل کے اوپر شیر روز عبداللہ کے نام سے ہمارا چینل ہے امید کرتا ہوں کہ اپ نے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں بھی کیا تو کہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے سرکل کے اندر شیئر کیجئے گا اپ ہمیں چینل کو واٹس ایپ پہ فالو کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی آ سکتے ہیں 0300979013 میرا واٹس ایپ نمبر ہے اس کے علاوہ ہم انسٹاگرام بھی فالو کر سکتے ہیں اپ سرچ بار پہ لکھیے شیر روز عبداللہ हमारी आईडी आ जाएगी वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी शेरोज अब्दुल्ला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस के नाम से आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, अपने सर्कल के अंदर तमाम चीजों को शेयर कीजिएगा। आज हम लोग फर्स्ट ईयर के पीके बुक चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। आज का टॉपिक है, दैट इज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। याद रखें, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट चैप्टर नंबर 5 के पीके बुक का ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। बड़ा अगर आप वर्ड एनालिसिस करते हैं, ठीक है, सो इसकी वर्ड एनालिसिस को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का क्या मतलब है। थोड़ा सा इसकी वर्ड एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। जियो बेसिकली कहते हैं अर्थ को, ठीक है। स्टेशनरी कहते हैं, स्टेशनरी मींस एट रेस्ट, स्टेशनरी किसे कहते हैं, रेस्ट को। और ऑर्बिट बेसिकली क्या है, ये असल में सर्कुलर पाथ अराउंड, ठीक है, अर्थ, अर्थ के अराउंड जो सर्कुलर या इलेक्ट्रिकल दोनों कह सकते हैं, उस शेप के जो पाथ होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऑर्बिट कह सकते हैं। अब जियोस्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं, दीज आर द पाथ अराउंड द अर्थ where some specific type of satellites revolve. सारे satellite geostationary orbits में नहीं होते, कुछ specific satellites होते हैं जिनको हम geostationary satellites क्या कहते हैं, geostationary satellites. geostationary orbits क्या होते हैं, those orbits in which geostationary satellites revolves and असल में they look stationary although they are not stationary. ये दिखने में लगते हैं कि stationary है लेकिन stationary होते नहीं, रेस्ट पे ये होते नहीं, इसलिए इसको हम लोगों ने नाम ही कुछ इस तरह दिया है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। क्या कहते हैं इसको, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अब कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप कहेंगे द सैटेलाइट्स या यू कह लें द स्पेशल टाइप ऑफ, द स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ, स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ वेयर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स, जहां पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं एंड दे लुक्स स्टेशनरी, ठीक है, और वो बेसिकली स्टेशनरी दिखते हैं and they look stationary although they are not stationary called geostationary orbits, called geostationary orbit, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, याद रखें कि कोई भी सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाता है तो किसी खास मिशन के लिए लॉन्च किया जाता है। अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की हमारे पास एल्टीट्यूड कितनी होती है, इसको हम लोग कितने, मतलब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को कितने हाइट के ऊपर हम लोग लॉन्च करते हैं या उसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड फॉर जियोस्टेशनरी geostationary satellites, okay, that is 22 to 40 kilometers. इतने altitude के ऊपर या इतने height के ऊपर हम लोग geostationary orbits को रखते हैं, सही हो गया। और इसकी जो speed होती है, ठीक है, 6880, और इसकी हम लोग speed जो रखते हैं, ठीक है, इन सैटेलाइट की, इनकी स्पीड और वेलोसिटी जो है ना, ठीक है, 6880 माइल्स पर आवर,
ये हम लोगों ने इनकी स्पीड रखी होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, उसके लिए हम लोगों ने डेराइवेशन करनी होगी, सही है। अब आप फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंडिंग या यू लिखेंगे डेराइवेशन, डेराइवेशन फॉर फाइंडिंग रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन करनी है बेटा, दो स्टेप्स यूज करेंगे। अभी आपको अगर याद हो, हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट की फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्टेप नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन अभी एक डिराइव की थी, एंड दैट इक्वेशन वाज वी नॉट इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर नॉट, ये इक्वेशन थी। चलिए मैं इसको कहता हूं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन हो गया, चलिए वी कॉल इट इक्वेशन नंबर वन। आ जाते हैं जरा स्टेप नंबर टू की तरफ, ठीक है। स्टेप नंबर टू, ठीक है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ स्पीड, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी की अगर आप डेफिनेशन देखें तो आपको पता लग जाएगा कि v इक्वल टू s बाय t, यही डेफिनेशन होती थी, सही हो गया ना। अच्छा, लेकिन यहां पर हम नॉट लगा लेते हैं क्योंकि हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमें मालूम है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई r। चलिए मैंने यहां पर भी नॉट लगा दिया, और ये स्मॉल t को मैं कैपिटल t से लिख लेता हूं, जो कि टाइम पीरियड शो करेगा, क्या शो करेगा, टाइम पीरियड शो करेगा। तो इस इक्वेशन को मैं यूं लिख सकता हूं, v नॉट इज इक्वल टू 2 पाई r नॉट डिवाइडेड बाय t, 2 पाई r नॉट डिवाइडेड बाय t। चलिए मैं कहता हूं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दो इक्वेशंस आ गए, कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं, स्टेप नंबर 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों का जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी, एक ये इक्वेशन थी, ठीक है, एक आपके पास ठीक है एक इक्वेशन जो है दैट इज दिस वन, और जो दूसरी इक्वेशन है दैट इज कैपिटल जी एम पी डिवाइडेड बाय आर नॉट, ये दो इक्वेशन हमने कंपेयर कर लिए, ठीक है। हमने क्या करना है, स्क्वेयर बोथ हैंड साइड हम कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें फर्दर कौन से स्टेप्स मिल जाते हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, स्क्वेयरिंग बोथ हैंड साइड, दोनों साइड का आप स्क्वेयर कर लें, क्या मिलेगा आपको, तो आप कर लीजिए इस साइड का भी 2 पाई आर नॉट डिवाइडेड बाय टी इक्वल टू अंडर द रूट कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर नॉट, दोनों साइड का मैंने क्या कर लेना है जी, स्क्वेयर कर लेना है, इधर का भी स्क्वेयर कर लें और इधर का भी स्क्वेयर कर लीजिए। जब आप दोनों साइड का स्क्वेयर कर लेंगे तो अच्छा याद रखिए, बुक में ये डेरिवेशन जरा डायरेक्ट की गई है, उन्होंने डायरेक्ट वे भी कर ली है, हम आपको फोल्ड करके बताएंगे, ठीक है। इससे आ जाएगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने अंदर वाले सारे टर्म्स को अलग अलग दे दिया, इससे क्या आ जाएगा, ये 2 अंडर द रूट से खत्म हो जाएंगे, यहां पर कैपिटल जी एम पी डिवाइडेड बाय आर नॉट आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करनी है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्टेप नंबर फाइव बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, इसे क्या मिलेगा हमें, इसे मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर नॉट, और ये आर मल्टीप्लाई होकर आर नॉट क्यूब हो जाएगा,
और इससे आ जाएगा कैपिटल जी एम ई इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। सही, आपने क्या करना है, ठीक है, आपने 4 पाई स्क्वायर को बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। स्टेप नंबर 6, डिवाइडिंग 4 पाई स्क्वायर बोथ हैंड साइड, दोनों साइड को डिवाइड कर लें 4 पाई स्क्वायर पे, इससे आ जाएगा आर नॉट क्यूब इक्वल टू कैपिटल जी एम ई इनटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। सही हो गया। अब हमें आर नॉट चाहिए, क्यूब नहीं चाहिए, टेकिंग क्यूब रूट बोथ हैंड साइड, दोनों साइड का आप क्यूब रूट ले लें, ठीक है। स्टेप नंबर 7, टेकिंग क्यूब रूट बोथ हैंड साइड, ठीक है, इसको क्यूब रूट कहते हैं। अच्छा, क्यूब रूट इसको हम कहते हैं जी, क्यूब रूट कहते हैं, ठीक हो गया। इससे आ जाएगा आर नॉट, यहां का भी क्यूब रूट ले लीजिए और इस साइड का भी क्यूब रूट ले लीजिए, कैपिटल जी एम ई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो क्या होगा, ये क्यूब इस क्यूब रूट से खत्म हो जाएगा, आपके पास जो इक्वेशन आएगी यहां पर दैट विल बी आर नॉट इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, दिस इज कैपिटल जी राइट, और होल पावर 1/3 आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज मौजूद हैं, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7, ठीक है। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर स्टार, इसको मैं क्या कहता हूं, इक्वेशन नंबर स्टार कहता हूं, बड़ी खास इक्वेशन है, दिस इज वेरी मेन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है या खास इक्वेशन है, इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर स्टार कहा। आपके पास कुछ वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है, आपके पास वैल्यूज अवेलेबल हैं, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इनटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, और एम ई की वैल्यू 6 × 10^24 किलोग्राम होता है, टी की वैल्यू आपके पास 365 डेज है, ईच डे में 24 आवर होते हैं, हर आवर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब को आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका सेकंड्स में, ठीक है। और कौन सी वैल्यूज मौजूद है आपके पास, टाइम की वैल्यू आ गई, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, 4 पाई को आपको मालूम है। इस इक्वेशन में आप जब पुट कर लेंगे तो स्टेप 8 में आपको बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार वी गेट, जब आप ये तमाम वैल्यूज उठाएंगे और इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करेंगे तो आपको आर नॉट की कोई खास वैल्यू मिलेगी, दैट इज 4.23 × 10^6 किलोमीटर, 4.23, ठीक है, आर नॉट आ जाएगा 4.23 × 10^6 किलोमीटर, ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दिस इज द रेडियस फॉर ऑर्बिटल जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का हमारे पास रेडियस कितना होगा, दैट विल बी 4.23 × 10^6 किलोमीटर, ये हमारे पास क्या होगा जी, दिस विल बी द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का हमारे पास रिक्वायर्ड रेडियस होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट, आपको पसंद आया होगा, और इसके अलावा आप हमें Instagram भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा अपना YouTube चैनल है, शेरो सतला के नाम से हमारा YouTube चैनल था। चैप्टर नंबर 5 आज हमने के बुक का खत्म कर दिया है, इंशाल्लाह कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट डे में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अपना और अपने के लोगों का बहुत सारा